भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बहुत ही रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ा, जहां भारतीय टीम ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था, जिसके जवाब में श्रीलंका के कप्तान दर्शन शनाका ने आखिरी ओवरों में टीम इंडिया की जमकर धुनाई करी। उनके विकेट के लिए गेंदबाज तरसते हुए नजर आए। कुल मिलाकर आखिरी ओवर में एक जमकर ड्रामा देखने को मिला, जिसे क्रिकेट की दुनिया में तो अब लीगल घोषित कर दिया गया है, यानी मार्केटिंग। इसे अब रनआउट का दर्जा दे दिया गया है। इसे मार्केटिंग कहना भी गलत होगा। जब दर्शन शनाका 98 रन पर खेल रहे थे और नॉन स्ट्राइकर पर थे, तब मोहम्मद शमी ने दर्शन शनाका को आउट करने का एक नया हथकंडा अपनाया और वो था मार्केटिंग रनआउट का हथकंडा। रनआउट तो किया, अपील भी करी, लेकिन उसके बाद बीच मैदान पर गर्मा गर्मी का माहौल देखने को मिला। और मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस ड्रामे को लेकर, जी हां, इसको लेकर रोहित शर्मा ने क्या कहा वो तो हम आपको बताएंगे ही, और बताएंगे कैसे मोहम्मद शमी के द्वारा अपील की जाने के बाद रोहित ने क्या किया और क्या कुछ ड्रामा आखिरी ओवर में देखने को मिला। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको पूरे ड्रामे के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी हैं रोहित के फैन, शमी के फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा। और इसके बारे में आपकी जो कुछ भी राय मार्केटिंग को लेकर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहले तो जानते हैं आखिरी ओवर में क्या ड्रामा देखने को मिला, उसके बाद बताएंगे कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद इसको लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है। अगर मैच के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी थी, अच्छी खासी बल्लेबाजी। विराट कोहली का शतक, रोहित शर्मा की हाफ सेंचुरी, शुभमन गिल की हाफ सेंचुरी। टीम इंडिया ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य 373 रन जो कि श्रीलंका के खिलाफ रख दिए थे। श्रीलंका हालांकि इस लक्ष्य का पीछा तो नहीं कर पाई, लेकिन फाइट बैक जरूर किया, 306 रन बनाए। उसमें दर्शन शनाका ने सेंचुरी पारी खेली तो पतुम निशंका ने 72 रन की पारी खेली। लेकिन इस बीच मोहम्मद शमी की बात की जाए तो मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से बेहद ही महंगे साबित हुए हैं। 9 ओवरों में 67 रन यानी लगभग 7.4 की इकोनॉमी और एक विकेट उनके नाम आया था। लेकिन आखिरी ओवर के ड्रामे के बारे में बात की जाए तो मोहम्मद शमी दर्शन शनाका जो नॉन स्ट्राइकर पर थे उन्हें मार्केटिंग यानी रनआउट कर देते हैं और फिर एम्पायर से अपील करते हैं। नॉन स्ट्राइकर पर खड़े एम्पायर भी उन्हें थर्ड एम्पायर के लिए रेफर कर देते हैं, क्योंकि अब ये क्रिकेट की दुनिया में मार्केटिंग को रनआउट का दर्जा दे दिया गया है। इसमें कोई खेल भावनाएं हतित नहीं होती है। लेकिन इसके बावजूद भी थर्ड एम्पायर को रेफर किए जाने के बावजूद भी कुछ देर तक मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा के बीच बातचीत चली। मोहम्मद शमी काफी फनी अंदाज में दिखे, क्योंकि वो इस मामले को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा और वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं और उसके बाद रोहित ने जैसा कहा वैसा ही किया। मोहम्मद शमी ने अपील को वापस ले लिया, एम्पायर के पास गए और एम्पायर से अपील वापस ले ली। कुल मिलाकर उन्हें नॉट आउट का दर्जा दिया। रोहित का इस तरह से अपील वापस लेना वाकई में हर किसी का दिल जीत गया। मोहम्मद शमी भी मजाकिया अंदाज में नजर आए। लेकिन मैच के बाद रोहित शर्मा ने इस घटना को लेकर अपना कुछ बयान दिया है। चलिए रोहित ने क्या कहा। रोहित ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था मोहम्मद शमी इस तरह से रन आउट करेगा। खैर, हम उसे जिन्होंने 98 रन की पारी खेली, अपने टीम के लिए इतना बड़ा एफर्ट दिया, उन्हें हम ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहते थे। जबकि हमने उनको आउट नहीं किया, हमें उस अंदाज से बाहर जाना चाहिए था। कुल मिलाकर उनकी बैटिंग के लिए एफर्ट जो उन्होंने लगाया है, हम उन्हें सैल्यूट करते हैं और हम इस तरह से किसी भी खिलाड़ी को आउट नहीं कर सकते हैं। यही कहकर मानो रोहित शर्मा ने सभी क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। लेकिन क्या रोहित ने सही किया, आपकी क्या राय है इस मार्केटिंग को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।